तीन क्वेश्चन क्या है बताओ. राइट अ प्रोग्राम टू मेक ऑल द स्क्वायर वैल्यूज एंड देयर इक्विवेलेंट कैरेक्टर्स यूजिंग अ व्हाइल. देखो ना, मैंने आपको पहले बताया था जो स्काई वैल्यूज है वो फिक्स है, 0 से 255 है, यानी कि मुझे लूप कहाँ तक लेके जाना है वो ऑलरेडी फिक्स है, उसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है. यहाँ आते हैं, यहाँ आए, मुझे पहले से ही पता है कि मुझे जाना कितना, तो मैंने एक इंटीजर नम ही लिया और कुछ लेने की जरूरत नहीं. उसके बाद आपने करना क्या है, एक लूप जो कहाँ से स्टार्ट हो, 0 से कहाँ तक जाए, 255 तक, नम प्लस प्लस. अब आपको डिस्प्ले क्या करना है, आप चाहते हो कि 1% ही स्काई वैल्यू इक्वल टू उसका करेक्टर. और ये पूरी स्क्रीन में यही डाल देगा, मतलब यहां पे नम की वैल्यू आ जाएगी, जो उसके इक्विवेलेंट करेक्टर होगा वो आपको दे जाएगा इस तरीके. देखो ना जगह कितनी है, उस जगह में अपने आप सेट हो जाएंगे वो. एंटायर स्क्रीन में 255 कम थोड़ी होते हैं, वो अपने आप ही पूरी स्क्रीन को ऑक्यूपाई कर लेगी. आपको मतलब कोई अलग से स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो अपने आप संभाल लेगा उसे. वो इस तरीके से काम करता है. आगे देखो कौन से है ना, तो ये वो तुम्हें बताया था. चलो एक टोटल ले लो, ठीक है, एक पिक ले लो, ठीक, मैं एक इनफाइनाइट लूप बना रहा हूं. अब इनफाइनाइट लूप का मतलब क्या है, ये लूप चलते ही, मैंने क्या लिखा है इस लूप के अंदर, वाइल वन, ठीक है, और वन का मतलब ट्रू है, और ये लूप चलते रहेगा चलते रहेगा चलते रहेगा चलते रहेगा चलते रहेगा, ठीक है. अब मैं क्या करता हूं, पहले ही प्रीज्यूम कर लेता हूं टोटल के अंदर 21 है, ठीक है, और एक वेरिएबल ले लेते हैं पिक्ड, और पिक्ड में ले लेता हूं 0. लॉजिक थोड़ा बदल लेते हैं कि जब तक पिक्ड लेस देन इक्वल टू 21 सॉरी टोटल है तब तक ये प्रोग्राम चलता है, लेस देन 21 तक है. जैसे एक टाइम आएगा 21 हो जाएगा तो उसी टाइम ही हम स्टॉप करवा देंगे. अब करना क्या, इतना हो गया, आपने मैसेज देना प्रिंट एफ, पहले एक मैसेज आ जाए प्रिंट एफ, दे आर 21 स्टिक्स. मैसेजेस देने के लिए बाकी जितने मैसेजेस तो काफी देने पड़ेंगे इसमें, तो तुम सोचो प्रिंट एफ एंटर द नंबर ऑफ स्टिक्स यू वांट टू बी पिक,
रियली, ठीक है। तो मींस आपके पास आपने पिक कर दी वो वैल्यू, उसके बाद आपने क्या करना है, अगर जो पिक वैल्यू है ग्रेटर देन इक्वल टू वन एंड लेस देन इक्वल टू फोर, तो अगला लॉजिक चलेगा, अदरवाइज तो एल्स में आ जाएगा। दिस नंबर ऑफ पिकिंग इज नॉट वन, सो ट्राई इट। ये वो सिचुएशन जब वो ज्यादा की डिमांड करने लग जाए, और यहाँ पे एक मैसेज दे रहे हैं यू कैन ओनली पिक इतना लॉजिक है समय। अब असली दूसरा लॉजिक यहां स्टार्ट होता है कि यहां हम क्या करते हैं, ठीक है। सबसे पहले काम तो हम ये करते हैं जो पिक्ड है प्लस इक्वल टू टोटल, सॉरी टोटल ही पिक को, मतलब जो आपने वैल्यू डाली वो पिक्ड में ऐड हो जाए। पर उसमें भी ऐड करने से पहले आपको एक चीज चेक करनी पड़ेगी, कहीं वो इतनी स्टिक्स तो नहीं उठा रहा जो एग्जिस्टिंग अगर थी, ठीक है। तो मतलब हमें ये भी एक चेकआउट करके देखना कि वो गए थे ज्यादा पिक ना कर ले, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले उसने पिकअप कर ली, तो पिक्ड में कर लो, वैसे ऐसा चांस कम ही होगा, इक्वल टू पिक कर लो। अब आपने क्या करना है, टोटल रिमेनिंग चेक करना कि रिमेनिंग कितनी रहेगी, ठीक है। रिमेन ले लिया टोटल माइनस पिक, अगर टोटल माइनस पिक्ड रह गया यानी कि जितनी से पिक्ड हो चुकी है उसका हम डिफरेंस चेकआउट करेंगे, ठीक है। और डिफरेंस में क्या चेक करेंगे, इफ रिमेन ग्रेटर देन जीरो, तो अब लॉजिक स्टार्ट होता है, ठीक है। मतलब अब ये टर्न है कंप्यूटर की पिक करने की, कंप्यूटर कितने पिक कर लेता है, ठीक है। तो जैसे इसने पिक प्लस इक्वल टू पिक किया, अब जैसे ही ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो आया तो अब हमें क्या शो करना है कि कंप्यूटर कितनी पिक करने वाला है, ठीक है। अब लॉजिक क्या लगाए इसके लिए, अगर वो वन पिक करता तो टू पिक कर दे, ठीक है। और अगर कहते रिमेन ग्रेटर देन फाइव है, थ्री है, टू है, वन है, या कुछ इस तरीके से है, और कुछ इस तरीके से हमें एक लॉजिक यहाँ पे एक प्लान आउट करना पड़ेगा। और प्लान आउट करने के लिए क्या हो सकता है, जैसे लास्ट डे भी हम गए थे पिक कर रहे थे, तो अगर देखो फोर बचती हैं, अगर रिमेनिंग फोर है तो कंप्यूटर तीन पिक कर लें, ठीक है। यानी कंप्यूटर थ्री पिकिंग करने का उसका लॉजिक होगा कि उसने तीन पिक करनी है, वैसे से इनफाइनाइट ही रहने दो, इसका कोई रोल प्ले नहीं होने वाला, ठीक। अब जैसे कंप्यूटर को रिमेनिंग में अगर पांच चार बचे तो उसे तीन उठाने, अगर तीन बचे तो दो उठाने, अगर कहते उसके बाद बचे यानी पांच बचे तो चार,
इस तरीके से कोई लॉजिक लगा के चले, यानी कि अगर ग्रेटर देन फाइव, अगर फाइव हुआ रिमेनिंग तो चार उठाएगा, चार है तो तीन उठाएगा, दो है तो एक, मतलब इस तरीके से उठाएगा कि एक कम रहे। तो जैसे हम यहाँ लगा लेते हैं, स्विच लिया हमने, डाल दिया रिमेनिंग, ठीक है। अब रिमेन में हम क्या करेंगे, पहला केस अगर उसका होता है वन ही सॉरी फाइव, एक केस फोर होगा, एक केस थ्री हो सकता है, एक केस टू हो सकता है। वन वाला केस हुआ तो वो खुद ही हार जाएगा, ठीक है। तो केस फाइव के अंदर क्या है, केस फाइव के अंदर आपका सिंपली हम क्या करेंगे, पहले तो जो हमारा बिग है उसके अंदर प्लस इक्वल टू रिमेन माइनस वन, ठीक। सभी में माइनस वन ही कर रहे हैं, है ना। तो यहां पे क्या कर देंगे, बिग स्विच केस देखने में बड़ा बेकार लग रहा है, हम यहाँ पे वो कंडीशन वाला लगा लेते हैं। अगर रिमेन ग्रेटर देन इक्वल टू टू एंड रिमेन लेस देन इक्वल टू फाइव, तो पिक इज इक्वल टू प्लस इक्वल टू रिमेन माइनस वो एंगल है। और यहां पे हम क्या कर दें, फिर अगेन रिमेन को निकाल दें लास्ट में, टोटल माइनस पिक, क्योंकि उसे मैसेज भी दिखाना है कि वो सक्सेसफुली चला है कि नहीं चला है। और यहां पे हम लिख देंगे प्रिंट एफ remaining sticks are percentage ration remaining sticks are रिमेन ले, ठीक। और अगर रिमेन रह गया इक्वल टू वन तो प्रिंट एफ, सॉरी क्या, यू लॉस्ट बिकॉज यू हैव टू पिक, यू हैव टू पिक लास्ट, और यहीं से ब्रेक हो जाए, ठीक है। ये तो ये फंडा हुआ, और यहां पे हमें एक मैसेज और भी दिखाना है, प्रिंट एफ कंप्यूटर पिक्स स्टिक्स, रिमेन माइनस वन ये होगा। अगर मान लो रिमेन हुआ इस रेंज में नहीं आया, ठीक है, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, यानी रिमेन या तो वन है, ठीक है, या रिमेन आपका ग्रेटर देन सब कुछ है, यानी कि सिचुएशन ये भी बन सकती है। तो उस केस में यानी एल्स पार्ट में क्या किया जाए, यानी कि इसके अलावा क्या यदि कोई पार्ट होता है, और हम यहाँ लगा लेते हैं अगर एल्स इफ
रिमेन नॉट इक्वल टू वन, मतलब वन को छोड़ के कुछ और है तो क्या मैसेज है? अब हमें लॉजिक सोचनी है, यानी कि या तो छह बची हुई है स्टिक्स, ठीक है, यानी कि छह के बचने का चांस हो सकता है, तो उस केस में हम कितनी पिक करेंगे? या सात बची है तो वो कितनी पिक करें, पांच बची है तो वो कितनी पिक करें? चार से तो कम करें, पर लेकिन किस हिसाब से? तो एक सिंपल सा लॉजिक है, मैं क्या करता हूँ, अगर ऐसा है तो पिक प्लस इक्वल टू, यहां पे मैं क्या करता हूं, इफ जो उसने पिक की है वैल्यू अगर नॉट इक्वल टू फोर होती है, ठीक है, यानी कि जितनी उसने पिक की है अगर वो नॉट इक्वल टू फोर है तो मैं क्या करूंगा, पिक प्लस इक्वल टू पिक प्लस वन, और यहां मैसेज दूंगा प्रिंट एफ, कंप्यूटर पिक्स पिक प्लस वन स्टिक्स, तो ये करें, और अगर एल्स अगर मान लो निकल जाता है वो फोर ही तो क्या करें? तो कुछ ऐसा करना है कि छह स्टिक्स बचे हैं, इतनी पिकिंग करवानी है उसकी, छह बचेंगे तभी तो, अगर मैक्सिमम चार पिक करेगा तो दो बचेंगे, दो में से मैं एक पिक कर दूंगा तभी कंप्यूटर जीतेगा, अदरवाइज वो जीत नहीं पाएगा। तो उसके लिए यहां पर मेनली सोचना है कि वैसे तो अगर जितनी होंगी कम होंगी, पर अगर मान लो छह बचा या चार बचा या आठ बचा तो मुझे उतने खाने हैं लास्ट में कि कुछ छह का कहते लॉजिक हो जाएगी, वो मैक्सिमम चार उठाए या तीन भी उठाए तो मेरे पास चांस जीतने के चांस बचे, तो यहां पे हम करेंगे रिमेनिंग बचे हैं अगर रिमेन माइनस वन करो तो इक्वल टू, अगर सिक्स बचते हैं ठीक है तो ये चले, एल्स इफ रिमेन माइनस वन सो टू, अगर सिक्स बचते हैं तो ये चले, और साथ ही साथ एक चेक और भी लगाना है, और रिमेन माइनस वन अगर वन बच रहा हो तब भी चांसेस हमारे, ठीक है, यानी एक चीज ये भी लगती है, इन दोनों में से कोई भी कंडीशन ट्रू होती है
3 लिया, 4 लिया, 3 लिया, 4 लिया, यहाँ एक मैसेज दे दिया प्रिंट एफ, कंप्यूटर पिक्स पिक प्लस इक्वल टू वन, यहाँ ले दिया प्रिंट एफ, कंप्यूटर पिक्स टू स्टिक्स पिक प्लस इक्वल टू, यहाँ कर दिया 3, यहाँ कर दिया 4, यहाँ कर दिया 3, अब देखते हैं चलता है कि नहीं चलता, दो एर उसका है, यार इस स्टेटमेंट मिसिंग यहाँ मिस हो गई, चलाया वो 3 डालता है तो उसने 4 स्टिक्स पिक की, 4 डालता है उसने 4 पिक की, अगर वो 3 पिक करता है आ गया, कुछ ऐसा बनाना था मेन माइनस टू द पीस लास्ट वर्ड एग्जांपल आया हुआ है सब कौन से वाला ये अब देखो ना एक सिंपल सी बात बताओ एक 6 का पेयर बचेगा ना तो तुम्हारे जीतने की प्रोबेबिलिटी बनेगी मान लो मैं तुम्हारे को लास्ट में 6 बचा दूंगा और मैक्सिमम 4 पिक करने की ऑप्शन है तो मेरे जीतने के चांसेस अगर मैंने 5 बचवाए तो तुम 4 उठा दोगे मैं फंस गया तो इसलिए कह रहे थे फिर वो ये 6 वाला लॉजिक ये है कि लास्ट में जैसे अब एक सिचुएशन आएगी जब बहुत सारी 6 मेरे पास पड़ी नहीं है जैसे ऊपर वाली जो सिचुएशन थी वो तब की थी अगर नॉट इक्वल टू 4 है यानी कि उसने 1 2 3 लिया 1 2 3 लिया तो हम एक एक बढ़ा के ले लेंगे उससे जैसे 2 पिक कर लिया फिर 3 पिक कर लिया फिर 4 पिक कर लिया ठीक है पर अगर 4 उसने उठाए हैं तो यानी तब मेरा लॉजिक क्या होगा तब मैं देखूंगा रिमेनिंग कितने बचे तो रिमेनिंग के हिसाब से चेक कर लूंगा मुझे कितने पिक लगने से इफ कंडीशन हो जा रही थी अगला देखो इन्हें बड़े वाला क्वेश्चन करवा लिया है एक्चुअली ये होना ऐसी था तुम्हें कोई ना कोई तो लॉजिक सोचना था ना पर इसके सारे केस चेक कर लेना क्या होता है कुछ केसेस में फेल हो रहा है कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं है एक बार टेस्ट आपने इसमें एक बार ये रिमेन नॉट इक्वल टू 1 हां उससे उसमें ग्रेटर देन 5 भी नहीं है नहीं अब तुम एक बार सोचो एक सिचुएशन वो बच गई कि 3 बच गए रिमेनिंग तो कितने रखोगे कंप्यूटर को जिताना है यार हमने देरी कंप्यूटर दो तो है ना तो वो जो रिमेनिंग माइनस वन वाला तरीका क्या है कि मेरे कितने पिक करने भी एक रह जाए उस हिसाब से फिर मैं उठाऊं मतलब एक रिमेनिंग को देख के तो आइडिया लगाएंगे ना मान लो कहीं पे 4 बच गए और मैं 4 के 4 ही खा लूं तो फिर वहां काम खराब हो जाए एक केस वो भी कंसीडर करके चलना Till the user wants an end, then it should display the counter portion and user enter. कौन सा counter portion enter. अच्छा तो बताया था कि क्या है
जब तक वो चाहता है वो बता देगा कि टोटल पॉजिटिव कितने टोटल हैं कि कितने डाले या टोटल जीरो कितने हैं वो ये एक्चुअली उससे फाइंड आउट करना ऑक्टल वाला हुआ तो ऑक्टल वाला थिंक आउट होगा ना जैसे वो बाइनरी वाला देखो देखो मैंने यहाँ पे एक इंटीजर नाम लिया एक बाइनरी लिया और एक रिमाइंडर लिया और एक ऑक्टल भी ले लिया। अब मुझे क्या करना है कि एक्चुअली मैं इसको फाइंड आउट करने का तरीका क्या था, दो से डिवाइड करते हुए जो रिमाइंडर बचे उसको फिर रिवर्स ऑर्डर में लिखा। तो रिवर्स ऑर्डर में लाने के लिए ना मैं एक MUL नाम का वेरिएबल भी ले लिया और एक टेम्प नाम का वेरिएबल भी ले। तो सबसे पहले हमने ये किया प्रिंट एफ एंटर बाइनरी एंटर आई नंबर द पर्सन कोई नंबर एंटर करें। इनिशियली बाइनरी भी मैंने जीरो ले लिया, ऑक्टल भी जीरो ले लिया और एक MUL है से भी मान ले लिया और जो टेम्परेरी है इसके अंदर भी नंबर ताकि जो नंबर में मैनिपुलेशन हो वो बाद में रिप्लेस कर सके। देन आफ्टर लूप कब तक चले, जब तक वो ग्रेटर देन जीरो, एक टाइम आएगा कि वो जीरो बच जाएगा। रिमाइंडर में आपने निकाले नम मॉडुलस टू, नम को छोटा करने के लिए नम डिवाइड बाय टू। ऐसे ही ऑक्टल जीरो लिया, MUL वन लिया, साथ में नम के अंदर इनिशियली टेम्प की वैल्यू दोबारा चढ़ा दी। यहां भी सेम लॉजिक, नम ग्रेटर देन जीरो, पर यहां डिवाइड करने का तरीका बदल जाएगा। यहां आप डिवाइड करोगे 8 से, निकालने तुम्हें वही है जो वहां निकाला करते डिजिट, और फिर लास्ट में नम के अंदर अगेन टेम्प डाल दिया ताकि वो अपनी ओरिजिनल वैल्यू में आ जाए। तो हम यहाँ लिखेंगे द बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ पर्सन डी आर पर्सन डी, लास्ट में यहां लिखेंगे प्रिंट एफ द ऑक्टल इक्विवेलेंट ऑफ पर्सन डी इस पर्सन। यहां पे हम ओसीडी ले देंगे। अब करना क्या है, बाइंड्री के केस में बाइंड्री इज इक्वल टू बाइंड्री मल्टीप्लाई बाय रिमाइंडर मल्टीप्लाई बाय MUL, और MUL हर चक्कर में 10 से मल्टीप्लाई होता है, यहाँ प्लस है। फिर यहाँ भी कुछ ऐसे ही OCD इज इक्वल टू, अब ये जो ये MUL लिया ना MUL से क्या होगा कि आपका नंबर साथ के साथ रिवर्स फॉर्म में जाएगा क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर ना डिजिट ऐसे निकलेंगे पहला दूसरा तीसरा चौथा, पर लेकिन आपको जो डिस्प्ले कराने तो रिवर्स ऑर्डर में दिखाने, तो ये MUL लिया गया। और बाइनरी बाइनरी के अंदर तो उसका और भी यूज है, यूज ये है क्योंकि जब आप बाइनरी यूज कर रहे होगे तो जीरो को कैसे सेव करोगे, क्योंकि जीरो एक ऐसा नंबर है जिससे भी एड होगा वही नंबर आ जाएगा, तो जीरो मेंटेन करना मुश्किल हो जाएगा। तो जैसे अभी से चलाया जैसे मैं कहता हूँ 16 का मुझे दिखा दे,
उल्टे डिस्प्ले करा दिए मैंने। अगर यहां चेकआउट करेंगे कैलकुलेटर में तो मैंने डेसिमल लिया था 16, अगर इसका बाइनरी देखता हूं 10,000, ऑक्टल देखता हूं 20, तो इस तरीके से दिखा रहा ऐसे ही काम करता है, इस तरीके से करता है। तो MEL लेने का लॉजिक क्या है? लॉजिक ये है कि एक तो साथ ही साथ वो रिवर्स हो चुका, और दूसरा बाइनरी में ये है कि बाइनरी में जीरो से उठानी मुश्किल है। अब तो सोचो जीरो को ऐड करोगे तो वही नंबर आता रहेगा बार बार, तो ये इस तरीके से मैनेज होगा। उसके बाद नम और पिन की क्या करें? नम और पिन की दोनों भी बताए प्रिंटर पे, नहीं वो तो दिखाने के लिए, डिस्प्ले करने के लिए, जरूरत ना भी हो तब भी। मैं ये बता रहा हूँ इसका बाइनरी इक्विवेलेंट ये है, वो मैसेज थोड़ा अट्रैक्टिव लाने के लिए, और तो कुछ तो इस तरीके से ये बाइनरी लॉजिक वही चल रहा है। इसमें डिजिट निकालने वाला, पर डिजिट आप 10 से नहीं निकालते, इस बार 2 से डिवाइड करके निकालते, और ऑक्टल में 3 से डिवाइड करके निकालते। और देखो वो 1, 2, 3, 4, 5, 6 वाला देखा, सबसे पहले तो देखो रो कितनी है इसके अंदर, इसमें रो है 4, ठीक है, तो मैं एक रो वाला लूप बनाता हूं जो 4 टाइम्स लगे, उसके बाद हमने क्या किया, इनिशियली नम को ले लिया 1, और हर वैली जो कॉलम में वैल्यू है वो डिपेंड करती हैं कि स्टेम और रो नंबर क्या चल, जैसे पहली बारी में एक बार ही चलाना है, दूसरी बारी में 2 बार, तो प्रिंट एफ % डी नम डिस्प्ले हो जाए, और हर चक्कर में नम प्लस प्लस भी हो जाए, और रो जनरेट करने के लिए स्लैश एन ले लिया। देखो नंबर तो आ गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, इतनी चीज तो मैंने गेट कर ली। स्पेसेस लाने तो क्या क्या यहाँ आए, 4 कोल इज इक्वल टू 1, कोल लेस देन इक्वल टू 4 माइनस रो, कोल प्लस प्लस ले लिया प्रिंटर, एक स्पेस चलाया, इस तरीके से बन गया। उसके बाद में कितने स्पेस चाहिए इनके बीच में, 3 है, मैं कहा इसके बाद 3 स्पेस आ जाए, तो कुछ अरेंजमेंट बनी नहीं, ठीक है, तो मैं कहता हूं कि आगे 2 स्पेस आए पीछे 1 स्पेस आ जाए, तभी बात 3 बीच में 3 गैप तो बनी जाएंगे। चला अभी थोड़ी सेटिंग बनी नहीं, तो मैं क्या करता हूँ 1 स्पेस आगे 2 स्पेस पीछे कर देता हूँ, अब भी नहीं हुआ कुछ, तो मैं क्या करता हूँ आगे के जो इधर वाले स्पेसेस हैं ये बढ़ा देता हूँ, थोड़ा डबल कर देता हूँ, अब भी गड़बड़ है, तो क्या करते हैं फिर वही वाले पुराने पैटर्न पे आते हैं, 1 स्पेस, मतलब बाकी तो स्पेसेस ही अरेंज कर रहा हूं मैं, अब सेट तो आ गए।
मतलब एक इस तरीके की बाकी तो स्पेसिस की कैलकुलेशन ऐसे होंगे कि आप एक बार ट्राई करके देखो, बढ़ा के देखो, घटा के देखो, तो अपने आप कैलकुलेट कर। दो तरीके होते हैं पासिंग टाइम में, क्या है चल होती है वो बताना चाहते हो। कोई फार्मूला भी होता होगा इसमें, होगा भाई ट्रेंडर प्लान तो भाई कुछ तो होता होगा। सोचना पड़ेगा ना फिर एक पर जीरो आया पर जीरो से। चलो ठीक है अब है तो थ्री ऊपर बात है तो करना क्या है, रो को ले लिया और यहां पर जीरो से स्टार्ट किया। पहले तो खाली नंबर लाने की सोचते हैं, स्पेसिस वोसिस तो आते रहेंगे ठीक है। मतलब मैंने जीरो से स्टार्ट क्यों किया, क्योंकि एक्चुअली तुम्हारा फॉर्मूला है ठीक है, जैसे कि जीरो जीरो मतलब पहला कह रहे जीरो जीरो की पोजीशन है, तो अब नंबर कैसे डिस्प्ले करना ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, एक नम ले लेते हैं जिसे वन ले लेते हैं फिलहाल ठीक। तो मैं यहाँ आता हूँ और कॉल जीरो लिया, कॉल लेस देन इक्वल टू रो नंबर, कॉल प्लस टू। देखो ये चीज तो वही रहनी है, इसमें तो एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली ठीक। पर मुझे मेंटेन क्या करना है, फिलहाल नम की वैल्यू परसेंट ही नमी रखनी है ठीक है। लेकिन ये तो केस था जब जीरो जीरो का केस होगा तो नम की वैल्यू वन रहेगी, लेकिन टू कब होगी इसकी वैल्यू, एक सिंपल सा लॉजिक लगा लो। इफ रो इज इक्वल टू कॉल या ये कह लो जब कॉल जीरो हुआ ठीक और रो कॉल के इक्वल हुई तो वन नहीं आएगा, मतलब इस केस में प्रिंट एफ तो वन आना है, एल्स एक स्पेस में अज्यूम करो इससे साइडों की वन वन तो आ ठीक है। Got that thing. यानी कि
इधर तो वन ही जाना है। अब बात ये आती है कि एल्स पार्ट का सोचो, क्योंकि ये तो फिक्स होता है, इसके रो कॉल पे तो वन ही बन रहे हैं। अब ये सोचना है कि वैल्यू कैसे सेव करती है। नम में मैंने प्रीवियस वन सेव करवा लिया कि जो स्क्रीन पे आया उस पर वन पढ़ा। और यहाँ पे तो ऐसे डिस्प्ले करा सकते हो कि आप नम के अंदर प्लस प्लस करवा लो और परसेंट डी करके नम की वैल्यू डिस्प्ले करो, चलाया तो कुछ ऐसा आ जाएगा। वन वन ठीक रहा, टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन कुछ ये तो सही रहा। या फिर इसका दूसरा फंडा कर सकते हैं, यहां ये ना लगा के नम इज इक्वल टू रो प्लस वन किया, ठीक तो रहा, मतलब वन 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 ये रहा, अगली बार क्या हुआ रो की वैल्यू टू चल रही है तो ये हो गया। माइनस कॉल कर लेते हैं, टू तक सही रहा पर फोर फाइव, मतलब कुछ पैटर्न हमें फॉर्मूला फिट करना पड़ेगा इस रो कॉल की वैल्यू के ऊपर एल्स पार्ट के, जैसे इधर दिखाओ तो वो तुम्हें एक्सप्रेशन या तो इसमें निकलेगी। जैसे अगर जब हम ये इस तरीके का कुछ पैटर्न बनाए, ये वैल्यू निकालनी है तो रो की वैल्यू क्या चल रही होगी टू, और इस टाइम पे कोल की वैल्यू क्या चल रही होगी जब ये डिस्प्ले हो रहा, कोल जीरो और वन, ये वन चल रहा। अब अगर हम यहाँ आते हैं वन थ्री थ्री वन, इस रो के अंदर रो की वैल्यू क्या चल रही होगी थ्री, कोल की वैल्यू चल रही होगी वन और टू, क्योंकि मैंने जीरो से लेके प्रेजेंट किया, ये वन और टू। जब हम यहाँ आएंगे वन फोर सिक्स फोर वन, तो इस रो में रो की वैल्यू है फोर, कोल की वैल्यू चलेगी वन टू और थ्री। इस सिचुएशन में क्या करना होगा, देखो एक चीज जो क्लियर होती है वो ये होती है कि जो इधर वाला पैटर्न है ना वो तो वही रहता है जो रो नंबर, मतलब अगर हम जीरो से लेके चल रहे हैं तो इधर वाला पैटर्न तो यही रहता है, पंगा पड़ेगा इसको लाने का। जैसे मैं ये लॉजिक लगा सकता हूँ कि सीधी रो की वैल्यू डिस्प्ले हो, जैसे अगर मैं यहाँ पर सीधा इतना पंगा ना डाल के रो डालूं, सब कुछ सेट हो गया, मतलब जो मिड वाली टर्म है वो सही प्रॉब्लम है। तो उस सिचुएशन में क्या करें, लेकिन इसका लॉजिक कोई और भी होगा, पर ये तो मैं यू नो थोड़ा सा। अब ये देखो मैं यहाँ लगाता हूँ, अगर कोल इज ग्रेटर देन इक्वल टू थ्री होता है, एक सिचुएशन ये बनेगी
तब तो जो रो चल रहा है ठीक है प्लस हो जाए रो माइनस टू के और कॉलन अदरवाइज रो ही चलता है और यहां आगे नाम डिस्प्ले हो चलाया कहीं वही पहुंच गया ये जीरो वन टू रो आपका जीरो वन टू थ्री फोर चलो सर फिर कल देखते हैं कुछ और लॉजिक सोचते हैं उसका क्योंकि इसमें कुछ कुछ कोई इक्वेशन में गलत बना रहा मतलब ये वो चल रहा है गेन गेन पर ग्रेन चले ही चले तो वो चीज काम नहीं करना अगला देखो कैसे इसमें कुछ करना होगा मुझे क्योंकि एक पैटर्न नहीं है ना इसमें तो बाकी अपनी पेन ड्राइव दे दो बाकी फिर ट्राई होगा